तो अगर एयरटेल नेट्स में आपको कुछ बिल्कुल यूनिक देखना है तो नेटफ्लिक्स की ब्रांड न्यू चेरी फ्लेवर एकदम ही यूनिक कॉन्सेप्ट बनी हुई हॉरर एडल्ट मैच्योर कंटेंट से भरी हुई सीरीज है। ओनली 8 एपिसोड जिसे कि आप बिल्कुल देखना चाहेंगे। एक ऐसी लड़की जो कि बनना चाहती है एक हीरोइन, लेकिन हीरोइन तो जब बनेगी तब बनेगी, लेकिन वहाँ पर आ चुके हैं भूत जॉम्बीज और ना जाने कैसे कैसे सुपर नेचुरल क्रिएचर जो उसकी दुनिया ही बदल के रख देंगे। और ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है अपने कॉन्सेप्ट को लेकर, और एक्टिंग सैलाजार की भाई वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग है जो कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ टॉप नॉच पे लेके जाती है इस शो को, और ये एक मस्ट वॉच टीवी सीरीज है। विलन मूवी तो अपने आप में है ही खास, यानी कि ऐसे कपल जो कि अभी अभी गैस स्टेशन को लूट कर आए हैं और उनकी अचानक से रोड पे गाड़ी ख़राब हो जाती है, गैस के चक्कर में वो उस अनजान घर को लूटने की कोशिश करते हैं और फिर उस घर में मिलती है उन्हें बेसमेंट में एक बंद पड़ी हुई लड़की जिसे देख के वो पूरे के पूरे चौंक जाते हैं और वो सोचते हैं आखिर ये लड़की यहाँ है क्यों। ऊपर जाके कपल्स जो उस घर के ऑनर है वो उन्हें रुपये देते हैं और कहते हैं कि हमारी कार लेके जाओ चुपचाप, लेकिन वो वहाँ पे हीरो बनने की कोशिश करते हैं। और फिर ये हीरो बनना कितना महंगा पड़ सकता है इसके लिए आपको ये मूवी देखनी बनती है। और ये बहुत ही ज़्यादा ब्लैक कॉमेडी प्लस हॉरर की अलग ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ बहुत ही यूनिक मूवी है। नंबर 8 पे है क्लासिक हॉरर स्टोरी। अगर आप अमेरिकन हॉरर स्टोरी के मर्डर हाउस के फ़ैन हैं तो ये मूवी बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आने वाली है। रिचुअल्स, भूत प्रेत, जादू टोना तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत ही अजीबोगरीब दुनिया में होने वाले रिचुअल्स जब एक वैन में उनकी कैरावैन का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद वो जंगल के बीचों बीच फंस जाते हैं, तो उनके साथ क्या क्या हो सकता है उस कहानी में, इस मूवी को देखना एकदम मस्ट है। और ये आपको बांध के रखेगा स्टोरी के एंड तक, वन ऑफ द बेस्ट हॉरर के जेनर में। और बहुत ही आउटस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट है इस मूवी का जो कि देखते ही बनता है और हमारी बिल्कुल फाड़ के रख देता है एडल्टनेस में। मतलब हम कितने भी चाहे मैच्योर बन जाए, हिम्मत है तो इस मूवी को रात को देख के दिखाना और तब बताना कि कितने भयंकर एडल्ट हो तुम। बहुत ही ज़्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ एक माँ जो अपने बच्चे के साथ एक प्लेन पे बैठी है और अचानक से प्लेन हाईजैक हो चुका है और अब माँ अपने बच्चे को बचाना चाहती है, लेकिन तभी उस माँ पे अटैक हो जाता है और हाईजैकर उसे गोली से उड़ा देते हैं, लेकिन वो माँ बीच एरोप्लेन में दोबारा से जाग जाती है और वो नॉर्मल नहीं जागती बल्कि बन जाती है एक वैम्पायर, और फिर खूनी खेल शुरू हो जाता है प्लेन के अंदर। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से सिनेमाटोग्राफी बनाई गई है इस मूवी की और ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लगेगी क्योंकि स्टोरी अपने ही आप में बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। हॉरर का ऐसा जेनर जो आपको आसमान में उड़ाते हुए दिखेगा और हॉरर जो आपको सोने नहीं देगा, यानी कि वैम्पायरिज्म हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, हमें वैम्पायर से बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए ये मूवी एकदम मस्ट वॉच है हमारे एडल्ट कंटेंट में। मैच्योर ब्लड गॉर इसमें भर भर के है। नंबर 6 फेयर स्ट्रीट जो कि जुलाई में आई थी नेटफ्लिक्स में, और सबसे खास बात है कि मूवी सिर्फ एक पार्ट तक सीमित नहीं है बल्कि ये पूरी की पूरी ट्रायलॉजी है और बैक टू बैक 3 फिल्में रिलीज की गई थी, यानी कि आपको पहला पार्ट देखना पड़ेगा, कुछ समझ नहीं आएगा, दूसरा देखोगे थोड़ी थोड़ी पढ़ते खुलेंगी, और तीसरा है पूरा का पूरा फिनाले जो कि 1666 की स्टोरी दिखाता है, यानी कि 1990 की स्टोरी को मिला देते हैं 1600 की स्टोरी के साथ, और वन ऑफ द बेस्ट है एंटरटेनिंग पर्पज से। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस मूवी को इन्जॉय कीजिए जो कि बहुत बेस्ट लगेगी आपको। दैन नंबर 5 पे है एक ऐसी लड़की जिसके पेरेंट्स अभी रिसेंटली ही मरे हैं और फिर वो एक इंस्टीट्यूट में अपना इलाज करवा रही है जहाँ और पेशेंट भी उसी की तरह है जिनके साथ उसकी दोस्ती हो चुकी है, लेकिन वो इंस्टीट्यूट उसे कुछ गड़बड़ लग रहा है और धीरे धीरे इंस्टीट्यूट उन पर हावी होने लग गया है और वो वहाँ से भागना चाहती है क्योंकि वो वहाँ की सच्चाई को कुछ जान चुकी है। और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट सिनेमाटोग्राफी के साथ और एडल्ट मैच्योर कंटेंट के साथ भरी हुई है ये सीरीज़। अगर आप बोल रहे हैं कि एडल्ट कंटेंट कहाँ है तो मैं आपको यहाँ पर वीडियो में नहीं दिखाने वाला, आपको ये सारी सीरीज़ और मूवीज़ देखनी पड़ेगी और आप खुद समझ जाओगे कि सब के सब भरे हुए हैं टॉप रेटेड एडल्ट कंटेंट से। तो अगर आपको एडल्ट और डार्क और हॉरर के साथ चाहिए थोड़ी बहुत कॉमेडी भी, तो पोस्टमार्टम मूवी नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है और आज का काउंटडाउन ऑटोमेटिकली नेटफ्लिक्स का काउंटडाउन बन चुका है क्योंकि सारी की सारी चीज़ें नेटफ्लिक्स की ही है। जब एक लेडी मर जाती है और उसके बाद जब वो जिंदा भी हो जाती है तो कहानी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आ जाते हैं क्योंकि उसे ब्लड भी चाहिए और वो बहुत ही उटपटांग सी हरकतें कर रही है। टच वेब सीरीज़ आपको हिला के रख देगी और इसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। नंबर 4 पे आज पोस्टमार्टम है और नंबर 3 पे है बहुत ही यूनिक रस्ट क्रीक, यानी कि अगर आप दोबारा से एडवेंचर ड्रामा देखना चाहते हैं एक लड़की का स्ट्रगल बहुत ही यूनिक तरीके से, और जब दो गुंडों से पकड़ लेते हैं और वो किसी तरीके से उन्हें चाकू मार के बच जाती है और फिर किस तरीके से सर्वाइव करती है जंगल में, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया इस मूवी पे रस्ट क्रीक पे, यानी कि रॉन्ग टर्न तो उसके सामने कुछ भी नहीं है जिस हिसाब से इसकी सिनेमाटोग्राफी एक्टिंग
और स्ट्रगल को दिखाया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है और आउट ऑफ द बॉक्स है, यानी कि वन ऑफ द बेस्ट रिकमेंडेड मूवी है इस पूरी सीरीज की, जो कि इसकी सिनेमाटोग्राफी और एक्टिंग के बेस पे उठी जाती है। मूवी में कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से ये दिखाया गया है वो बहुत ही बेस्ट तरीका है कि किस तरीके से इंसान कितना गिर जाता है जब वो अपनी मैप पे उतर जाता है और उसके बाद क्या क्या वो कर सकता है, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस मूवी पे दिखाया गया है। नंबर टू पे है द ओल्ड वेज, एक रिपोर्टर जो कि गुफा में चली गई है और वो वहाँ के विच क्राफ्ट के बारे में रिपोर्टिंग करना चाहती है, लेकिन अचानक से विच क्राफ्ट दूर उसे खुद ही किडनैप कर लिया जाता है और उसके बाद बताया जाता है कि उसके अंदर भूत है और फिर ये भूत उससे क्या क्या काम करवाता है ये वहाँ पे रहने वाली विच उसे बताती है, और बहुत ही फार तरीके से उसका हॉरर आपको हिला के रख देगा। अगर आप में हिम्मत है तो रात को ये मूवी देखना और बस फिर देखने के बाद जागते रहना, क्योंकि नींद तो आने से रही। जिस हिसाब से इस मूवी पे सीन दिखाए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा डरावने हैं और बहुत ही ज़्यादा एडल्ट कंटेंट से भरे हुए, खून खराबा तो इसमें बहुत ही ज़्यादा दिखाया गया है और एडल्ट नेट से भरी हुई है ये मूवी। तो आज के काउंटडाउन पे भाई क्रिटिकली अक्लेम डोंट ब्रीथ, यानी कि द ब्लाइंड मैन की स्टोरी, और द ब्लाइंड मैन आप देख चुके हैं 2016 की डोंट ब्रीथ मूवी पे, जो कि बहुत ही बेहतरीन थी और ये मूवी मुझे बहुत ही ज़्यादा फाड़ लगी। जब ब्लाइंड मैन के घर पे आ जाते हैं कुछ गैंग वाले और ब्लाइंड मैन उनकी बचा के रख देता है, लेकिन जो हॉरर है, जो साइलेंटनेस है, जो एक्टिंग है वो बहुत ही बेहतरीन है, हॉरर कंटेंट से जुड़ी हुई ये मूवी बहुत ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट बन जाती है अपने सिनेमाटोग्राफी को लेके। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अपनी बेस्ट टॉप 10 मूवीज़ या वेब सीरीज़ हमें सजेस्ट कीजिए जिससे कि हम भी उन्हें देख पाए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन भी बजा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।